हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द आरामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर में राइटिंग सेशन का एक टॉपिक नोटिस राइटिंग को देखते हैं। राइटिंग सेशन में स्टूडेंट हमें नोटिस राइटिंग, लेटर टू द एडिटर, रिपोर्ट एंड आर्टिकल को देखनी है अकॉर्डिंग टू आवर रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट को हमें सबसे पहले समझना होता है। किसी भी राइटिंग सेशंस के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें उसके क्वेश्चंस को समझना होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नोटिस राइटिंग में क्वेश्चन क्या है। यू आर अमित, अमृता, हेड बॉय, हेड गर्ल, ये डेजिग्नेशन है ऑफ योर स्कूल। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अमित एंड अमृता अपने स्कूल बॉय के हेड बॉय हेड गर्ल्स हैं, यह डेजिग्नेशन दिया है स्टूडेंट। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम, आपके स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है इंडिपेंडेंस डे के संध्या पे। तो राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स को, छात्रों को ये सूचना देनी है इस प्रोग्राम के बारे में। सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नोटिस राइटिंग में स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनानी होती है, तो हम लोग बॉक्स बनाएंगे। स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं अभी ऐसे ही बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द बॉक्स। बॉक्स को अभी क्लोज नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट, ये हमारा बॉक्स बन गया। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर लिखना होता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो यहाँ पे ऐसा नाम नहीं दिया हुआ है ऑफ योर स्कूल, स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर हम लिख देते हैं एक स्कूल का नाम, एस एस प्लस टू हाई स्कूल पतरातु। ये हो गया स्कूल का नाम। इसके बाद में हमें लिखना होगा यहाँ पे नोटिस। नोटिस को कैपिटल में लिखेंगे। ये हो गया नोटिस। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट को। तो यहाँ सब्जेक्ट है स्टूडेंट, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम। तो कल्चरल प्रोग्राम सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कल्चरल प्रोग्राम। यह हो गया अब लेफ्ट साइड से हमें लिखना है डेट। तो आज का डेट जैसे है 3 मार्च है, यह डेट हो गया फ्रंट। तब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर hereby informed
that our school is going to organize a cultural program on the eve of Independence Day. All students of this school are hereby informed. सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पे सूचित किया जाता है कि that our school is going to organize, कि हमारे स्कूल एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है. इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम, एक कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है. कब? तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के संध्या पे. ये इंफॉर्मेशन दे दिया है. आप ये पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स who want to participate in the program can contact the undersigned person. Undersigned person. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, पार्टिसिपेट कहते हैं भाग लेना को. तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो भी इच्छुक स्टूडेंट्स हैं, हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, कैन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड पर्सन. वो अंडरसाइंड पर्सन कहते हैं जिनका नीचे साइन है, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. फुल स्टॉप दे देंगे. अंडरसाइंड पर्सन में क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे अमित एंड अमृता दो है, तो एक बॉय के लिए एक गर्ल्स के लिए दिया रहता. तो इफ़ यू आर ए बॉय देन साइन अमित, इफ़ यू आर ए गर्ल देन साइन अमृता. तो यहाँ लिखेंगे अमित. अब डेजिग्नेशन इसका देखेंगे, हेड बॉय है, हेड बॉय. क्लास अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो क्लास अपना लिख देंगे, क्लास 12. ये नाम हो गया, ये डेजिग्नेशन हो गया, उनका पूरा एड्रेस. ये अब बॉक्स को क्लोज कर दिया. सो स्टूडेंट, दिस इज द नोटिस. एक बार इसे फिर से समझेंगे. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर अमित अमृता, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल. आप अपने स्कूल के हेड बॉय है, हेड गर्ल है, अमित अमृता स्लैश करके दिया हुआ है. अगर अमित है तो हेड बॉय, अमृता तो हेड गर्ल. ऑफ योर स्कूल, स्कूल यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, स्कूल का नाम भी दिया रहता, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया रहेगा. तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स के टॉप पे. योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम, आपके स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है. कब? तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के संध्या पे एक कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है. तो राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखेंगे. इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोग्राम, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करिए, सूचना दिए इस प्रोग्राम के बारे में. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे. वी हैव टू ड्रॉ ए बॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप में लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नेम ऑफ स्कूल या और कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे. तो SS प्लस 2 हाई स्कूल पतरातू हमने लिखा है यहाँ पर. इसके बाद में लिखेंगे स्टूडेंट नोटिस, नोटिस शुड बी इन कैपिटल NOTICE. फिर लिखेंगे कल्चरल प्रोग्राम,
मीन्स टाइटल सब्जेक्ट जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हो गया। अब लेफ्ट साइड में फिर यहाँ पर लिखेंगे डेट। तो डेट को इस प्रकार से लिखते हैं पूरा, जैसे आज 3 मार्च है तो March 3, 2021। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, नोटिस हमें इसी प्रकार से लिखनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये सभी विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम, हमारा स्कूल एक कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे के संध्या पे। अब लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम कैन कॉन्टैक्ट द अंडर साइंड पर्सन। इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो इच्छुक स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं प्रोग्राम में, कैन कॉन्टैक्ट द अंडर साइंड पर्सन। अंडर साइंड पर्सन ये हो गया जिनका नीचे साइन है, वो अंडर साइंड हो गया। अब ये नेम यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे, ये डेजिग्नेशन हो गया ना, जिस क्लास के है वो क्लास 12 हो गया वहाँ। तो सर जो भी प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम हो गया या डिबेट प्रोग्राम हो गया और डांस कंपटीशन हो गया, किसी भी प्रकार का जो भी प्रोग्राम रहेगा तो उसका नोटिस हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं। इसमें जो वोकैबुलरी यूज़ किया गया है उसको आप देखेंगे ध्यान से, जो लाइन यहाँ पर लिखा गया, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट, इन्फॉर्म सूचना होगा तो हेयर बाई, यहाँ पे इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पे सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इस वर्ड का प्रयोग किया गया, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्या सर, तो एक कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे के संध्या पे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इच्छुक विद्यार्थी जो है, हु वांट टू पार्टिसिपेट वर्ड का प्रयोग किया गया है, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में, कैन कॉन्टैक्ट द अंडर साइंड पर्सन जिनका नीचे साइन है। तो स्टूडेंट जो भी नोटिस में हमको अगर लिखना है किसी भी प्रोग्राम के बारे में, डिबेट कंपटीशन हो गया या क्विज कंपटीशन हो गया या कल्चरल प्रोग्राम हो गया, इस प्रकार का जो भी प्रोग्राम होगा तो हमको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग नोटिस आराम से लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।